सब इनमें ठीक है। फॉर मी दीज आर नॉट इश्यूज। इफ पीपल रेज इट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, आई डोंट एंटर इनटू दैट। आरोप तो किसी पे आई मीन ये जो लगाते हैं उनसे पूछिए। मेरे यहाँ सब इनमें ठीक है। सर, जिस तरह से एलिगेशन आम आदमी पार्टी लगा रही है कि उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही, इसके अलावा खाना समय पर नहीं दिया जा रहा, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, दो बातें, खाना और इंसुलिन। खाना हमारे यहाँ समय पे दिया जाता है, जिसका है उसका समय निर्धारित है। इनका कोर्ट ऑर्डर से खाना घर से आता है, तो आने में, चेकिंग होने में और इन तक पहुँचने में यदि 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं तो वो लगेंगे, जहाँ तक मुझे मालूम है। और इंसुलिन की जो बात है, मेरे यहाँ करीब 900 से 1000 आदमी इनमें शुगर से इफेक्टेड हैं। किसी का बाय डाइट मैनेज होता है, किसी का ओरल से, किसी को इंसुलिन से। आई एम मैनेजिंग बिटवीन 900 टू 1000 पेशेंट्स एवरी डे आउट ऑफ माई इनमेट्स पॉपुलेशन। सो फॉर मी दीज आर नॉट इश्यूज, बट इफ पीपल रेज इट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, आई डोंट एंटर इनटू दैट। सर, इसके अलावा एक लेटर भी उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट को लिखा, उसमें क्या कुछ बातें हैं? नहीं, आप प्लीज अंडरस्टैंड, 20,000 आदमी रहते हैं मेरे पास। हर किसी को कुछ ना कुछ समस्याएं होती, कुछ रियल होती, कुछ परसीव्ड होती, बट होती। तो उनको उनका रिड्रेसल का भी हम लोगों को इंतजाम करना पड़ता है। तो पीपल डू राइट, इनमेट्स अमूमन लिखते हैं, उनके अभिभावक भी हम लोगों को चिट्ठियां लिखते हैं, जिसके आधार पर उनका निवारण भी होता है। एंड लेट मी टेल यू, हर जेल में एक विजिटिंग जज होते हैं जो ये देखते हैं कि क्या जो इनमें जुडिशियल कस्टडी है, इसलिए जरूरी कि क्या सबको हेल्थ की वो सब सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, क्या मेडिसिन हैं जो होनी चाहिए, क्या उनके जहाँ पे वो सोते हैं वो साफ है, क्या जो बाथरूम्स का वो है वो साफ है, क्या डू दे हैव एक्सेस टू लीगल रिड्रेसल। तो ये उनका जैसे नलके हैं उसमें पानी आए, दिस इज ये हर जेल में विजिटिंग जज अपॉइंट होते हैं जो देखते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पे करेक्शंस भी होते हैं और वे इनकी ग्रीवेंसेस भी सुनते हैं। तो ग्रीवेंस है वो लिखना है, उसकी एक प्रक्रिया, उसमें विल प्रोसेस इट, उसमें ऐसा क्या बात है। एलजी को भी सर एक पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें कहा गया है कि इंसुलिन की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एलजी साहब हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं, उन जिस भी इसी पे क्यों और बहुत भी मुद्दों पे वो हमसे रिपोर्ट मांगते रहते हैं। दिस इज नथिंग न्यू, इट्स वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल, एंड वी हैव रिप्लाइड हिम व्हाटएवर वाज द क्वेरीज रेज्ड, एंड वी हैव सबमिटेड टू द कोर्ट, एंड यू ऑल नो द डिसीजंस। वेट को लेकर भी कई सारी चर्चाएं हैं कि वेट लूज हो रहा है। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के विषय में अंदर रहते हुए मैं उनके निजी पैरामीटर्स के बारे में या उनके रूटीन के बारे में मैं पब्लिकली कमेंट हम लोग नहीं करते, करने भी नहीं चाहिए, ये प्राइवेसी की इश्यूज होते हैं। बट ही इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ एज एवरी अदर इनमेट, नो इश्यूज। भगवंत मान सीएम पंजाब, उनसे मिलने गए थे, उनका ये एलिगेशन है कि उनको भी ठीक से नहीं मिलने दिया, शीशा भी साफ नहीं था। तिहाड़ में 20,000 इनमेट्स हैं। अब 10% भी माने और 2 जने आते हैं तो 4 से 5,000 इनमेट्स के घर वाले रोज आते हैं। तो एक ऐसी प्रणाली होती है जो सबको आसानी से एक्सेस हो और सबके लिए यूनिफॉर्म हो और कानून के दायरे में हो। यदि कानून कहता है कि किसी भी वस्तु का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए और शीशे के आसपास होनी चाहिए, तो हर आम कैदी के, हर आम घर वाले जो मिलने आते हैं वो इसी प्रणाली में मिलते हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है। बाकी आरोप तो किसी पे आई मीन ये जो लगाते हैं उनसे पूछे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।